Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll learn the use of command layer. यानी कि layer का use AutoCAD में क्या होता है और कैसे होता है ये आज हम देखेंगे. So the first thing what I would tell is layer is a command that is used to discriminate all the items in the worksheet. यानी कि कोई भी दो चीजें अलग करने के लिए हम layer इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि AutoCAD में डोर्स है, विंडोज है, तो हम ये बना के समझ लेंगे, यानी कि एक एग्जांपल देखेंगे इसमें. सो एट फर्स्ट आई विल हैव अ स्मॉल प्लान विथ डोर्स एंड विंडोज, यानी कि एक प्लान बनाऊंगा छोटा सा जिसमें डोर्स और विंडोज रहेगी. ये सिर्फ दिखाने और समझाने के लिए है, इसमें डायमेंशंस कुछ मैं कंसिडर नहीं कर रहा. ये हो गया हमारा डोर और अभी हम विंडोज बना रहे हैं. रैंडमली और दिस आउटर पेरिफेरी इज अवर वॉल. दिस इज बेसिकली द एलिवेशन, यानी कि ये एक मकान का एलिवेशन है. तो अभी इसमें अगर मुझे लेयर्स ऐड करने हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेयर्स दिखाई दे रहे हैं. ये व्हाइट कलर का अभी एक ही लेयर है हमारे पास, जो बाय डिफॉल्ट हम व्हाइट कलर ड्रॉ कर रहे हैं. इसमें जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो व्हाइट कलर में दिखाई देगी. तो इसमें बेसिकली हम डोर और विंडो के लिए अलग लेयर रखेंगे और अलग कलर रखेंगे. तो वील क्लिक ऑन द लेयर प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पे दोनों लेयर जो हम यूज कर रहे हैं वो व्हाइट है. We'll add a new layer. यहाँ से न्यू लेयर एड हो सकता है, यहाँ से न्यू लेयर. और वी कैन हैव द शॉर्टकट ऑल्टर एन, यहाँ पे क्लिक करके हम नाम लिख देंगे लेयर का. सपोज वी आर डिजाइनिंग फॉर विंडो, देन प्रेस ऑन दिस कलर. इसका कलर चेंज करेंगे हम. तो विंडोज का कलर अगर हम ब्लू रखते हैं ये वाला, एंड प्रेस ऑन द ओके. Then the second layer would be of door. और कलर हम रखेंगे इसका अभी ब्राउन कलर रखते हैं. ओके, तो यू कैन सी दिस ग्रीन टिक, इट शोज विच लेयर करंटली इज एक्टिव. यानी कि अभी कौन सा लेयर एक्टिव है वो हम ग्रीन टिक से देख पाएंगे. Suppose the current layer is white, so it is showing green tick over there. But if I want to make the color current layer as door, then I will click double click on the door, and we can see now our door layer is active. Currently हम इसे बंद कर रहे हैं. यहाँ से भी हम layer on off कर सकते हैं. अगर मैं door layer select करता हूँ, इसके ऊपर click करता हूँ और फिर से door के ऊपर जाता हूँ, that means ये जो मेरा डोर है उसका लेयर पूरा चेंज हो गया है. और ये विंडोज का लेयर चेंज करना हो तो आई विल सिलेक्ट ऑल द विंडोज एंड क्लिक ऑन द विंडो लेयर. तो आप देख सकते हैं कि विंडोज सभी जो विंडोज के लेयर में चली गई है और डोर है वो डोर के लेयर में चले गए हैं. हम डायरेक्टली इस लेयर में ड्रॉ कर सकते हैं बाई कीपिंग इट एक्टिव. यानी कि अगर अभी डोर्स में हम एक्टिव है तो डायरेक्टली जो भी ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट या लाइंस वो डायरेक्टली डोर वाले लेयर में ड्रॉ होगी. नाउ द लास्ट थिंग व्हाट वी शुड नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी लेयर इज, यानी कि जो आखिरी चीज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज इस लेयर के बारे में वो होगा, ये हमारे पास करंटली तीन लेयर है, ब्राउन, ब्लू एंड दिस वॉल दैट इज व्हाइट. तो अगर मुझे सभी विंडोज नहीं देखनी हो अभी या फिर कुछ काम के लिए हाइड करनी हो तो यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं. I'll switch on this too. तो हम जो विंडोज वाला लेयर है वो नहीं देख पाएंगे. सिमिलरली ये जो डोर वाला लेयर है, टर्न अ लेयर ऑफ, तो इसको भी हम नहीं देख पाएंगे. सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ द कमांड लेयर. AutoCAD में एक प्लान यानी ड्रॉइंग बनाते वक्त हमें बहुत बार कोई लेयर ऑन ऑफ करना पड़ता है. And to discriminate different objects, we need to use this command. So this is all about the command layer.
एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर.